सारा, कब तक तुम ऐसे गुस्से में रहोगे? चलो नाश्ता करने चलो। अरे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मानूष। सारा, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो चाची जान और परेशान हो जाएंगी। चलो मेरे साथ। ताई जान किधर हैं? चाची जान और मामा हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं भी उनके साथ चली जाती। मैंने भी बाबा को देखना था। तुम क्यों जाओगी? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है हादिया। तुम तो पली पड़ी हो ना उमेर के साथ। हे, तुम्हें कैसे नहीं पता था कि वो क्या करता है? सारा, मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उमेर। झूठ मत बोलो हादिया। सारा रहने दो प्लीज, हमारे दरमियान में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे बात करने दो। क्यों हादिया, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा है? चोर, धोखेबाज, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी? सारा बस, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोला करो। 100 बार कहूंगी। पहले तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। इतना अहम दिन था मेरे लिए, तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली हादिया। तो यूं कहो ना, तुम्हें जुहेब से निकाह ना होने का हम है। मुझे लगा था तुम्हें बाबा की तबीयत खराब होने का दुख है, मगर सारा तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। शट अप, इनफ सारा। ये सब क्या हो रहा है? सुहेब, देखो ना, फिर इसकी वजह से हमारा निकाह रुक गया। पापा कितनी तकलीफ में, हॉस्पिटल में उन्हें इतना मेजर अटैक आया है। मम्मा पूरी रात रोए और अभी मुझसे झगड़ा कर रही है। बस भी कर दो हादिया, कुछ तो रहम करो। तुम लोग चलो चलो।